दोस्तों अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 141 बाय डिवीजन मेथड कैसे निकालें बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको केवल 3 स्टेप करने हैं और इन 3 स्टेप के द्वारा आपके लिए डिवीजन मेथड बिल्कुल आसान हो जाएगा। फर्स्ट में क्या करना, 1 2 1, यानी अंदर देखिए जो आपकी संख्या आया है इसको हम बाहर लेंगे। यहाँ से आपको क्या समझ आया, देखिए इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 डिजिट का पेयर बनाना है। फिर अंदर आपका ये कितने डिजिट के नंबर, उसके आधार पे डिपेंड होगा कि 1 डिजिट नंबर आएगा या 2 डिजिट नंबर आएगा। अब ये आपका 3 डिजिट नंबर है, एक पेयर बन गया, अंदर आपका सिंगल डिजिट के नंबर आ गया, ठीक है, यानी एक अंक की संख्या आ गया। कितना आया यहाँ पे, 1। अब यह जो संख्या है इसके आधार पे हम संख्या का चुनाव करेंगे, जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी है, यह वाली वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इस वैल्यू के बराबर रहनी चाहिए। तो 1 × 1 क्या है, कितना रहा, 1, जो इसके क्या है, बराबर है, इसको लॉक कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देखिए जब आपका इसके बराबर नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इससे थोड़ा कम रहना चाहिए, लेकिन जब बराबर आ जाता है तो डायरेक्ट उसी को हम लॉक कर देते हैं, आगे हम ट्रायल ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप इनको ऐसे व्यवस्थित करना है, इनका गुणा यहाँ लिख दिया, एक बार इसको यहाँ लिख दिया। तीसरा स्टेप इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, 1 + 1 2 आ गया, 1 − 1 0 आ गया। जो अगला ग्रुप है उसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ अब आपका कितना बन गया, 41, यहाँ कितना है, 2। जैसे 2 के साथ हम 2 लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है, 44, जो ग्रेटर देन आपका 41 है। ग्रेटर देन वाला नहीं लेना है, किसको लेने से आया, देखिए आपका 2 को लेने से ग्रेटर देन आया है, तो फिर हम 2 की बजाय क्या लेंगे, 1 को लेंगे, यानी इससे एक छोटी संख्या लेंगे, ओके। यहाँ पर भी वही कंडीशन चेक करनी है, बस थोड़ा सा बदलाव देखने को यहाँ ये मिलेगा कि वहाँ पर तो हमने संख्या लिया उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या करना है, इसके साथ संख्या लेना उसका मल्टीप्लाई करना है। बाकी कंडीशन वही चेक करना है कि जो वैल्यू आ रही है वो या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन बड़ा तो नहीं लेंगे, ये ध्यान रखें। देखिए हमने 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, 71 आ गया, माइनस किया 0, 70 आ गया, इनको ऐड किया, 72 आ गया। देखिए जब आपने माइनस किया है जो संख्या आई है, यह वाली संख्या इस संख्या से छोटी रहेगी या कभी कभी आपको इसके बराबर मिल जाएगी, लेकिन इससे यह बड़ी तो नहीं आएगी, यह ध्यान रखें। यदि इस संख्या से यह संख्या छोटी आई है तो इसका मतलब यह वाला स्टेप आपने सही किया, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, देखिए आगे हमारे पास कोई ग्रुप भी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पॉइंट लगाते हैं। यहाँ जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो इसके आप साथ आपका 00 आ जाता है। अब इसके साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, देखिए 8 × 8 = 64, ठीक है, 6 के रेस लगे, 1 × 8 = 82 होल है, 6 कितना, 22, 2 के रेस लगे, 1 × 8 = 72, 1824 आ गया, ओके। यानी इस ये कितना आपका, देखिए 2000 है, ये कितना, 1800, इस 2000 से ये वाला देखिए थोड़ा कम है, इसका मतलब ये हमने सही लिया, थोड़ा कम वही कंडीशन भी ये जिससे यहाँ पे हमने चेक किया था कि जो ऐड करने पर संख्या आई थी, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेंगे, यहाँ तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, माइनस करते हैं इसको, प्लस करते हैं, दो कितना, 6 7 और 1 मिनट, ठीक है, 176 आ गया। देखिए यह माइनस करने पर जो संख्या आई है, यह वाली संख्या इस संख्या से क्या है, छोटी है, आप देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला स्टेप हमने सही किया। उसके बाद देखिए पॉइंट लगा रखा है, तो जो माइनस करने पर आएगा उसके साथ हम 00 लगा देंगे। अब इसके साथ ऐसे कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए, इससे थोड़ा कम मिलना चाहिए, या आप आगे जितने स्टेप करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ 141 का वैल्यू निकला है, यह है 11.8, ओके। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट को किसके द्वारा लिखता है जाता है, अंडर रूट के द्वारा लिखा जाता है, अंडर रूट 141 इक्वल टू 11.8। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।